मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया था। सूरज और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। सूरज मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा था। दसवीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि सूरज और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घुमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वह हरे भरे पेड्ढों के सिवाय कुछ नहीं था, क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी, मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं सूरज के साथ कामी गांव के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेजों के द्वारा नदी में बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था सेंट जॉर्जे ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी के बहती हुई पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब सा हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी, जैसे वो हमसे कह रही हो कि यहां से जल्दी से भाग जाओ। तभी मैंने सूरज से कहा, सूरज यहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है, हमें जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। अरे भाई कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहां खड़े रहो और चुपचाप नजारा देखो। तभी मैंने सूरज से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। सूरज अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है? सूरज ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। भाई वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है, सूरज ने मुझसे कहा। खुदकुशी, ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर सूरज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। तभी सूरज तेजी से चिल्लाया, अरे चाची क्या कर रही हो, उतरो वहां से गिर जाओगी। सूरज की आवाज सुनकर मैं होश में आया। सूरज उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। जब तक मैं दौड़ते हुए सूरज के पास जा पहुंचा, वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी सूरज ने अपनी टी शर्ट उतारा और पुल के रीलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। सूरज के नदी में कूदते ही उसने अपने आस पास देखा तो उसे वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह औरत कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रीलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रीलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि यह औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, सूरज। तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और उसने जैसे ही मुझे देखा मैं सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पिल्ली थीं।
माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नत्थी उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। तभी वह चुड़ैल मुझसे हंसते हुए बोली, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? सूरज पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है। सूरज हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपने पैंट में पेशाब कर दी। तभी मुझसे चुड़ैल बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैं ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा, सूरज जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। सूरज पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरे तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। सूरज आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और सूरज को पुकारता रहा और इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सूरज को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त न कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पाने में नदी के किनारे सूरज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से सूरज के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में करीब 100 साल पहले से ही किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ यह था कि अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नाम के एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण से गांव की कोई भी औरत सुंदरा से बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरा अपने घर चली आई। कामी गांव ही उसका मायके था, लेकिन वहां भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। डीडी वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी, इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरा ने कामी गांव के सेंट जोरिये ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई। हर पूर्णमासी की रात सुंदरा उस ब्रिज पर आती हैं और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती हैं। सूरज के मारने के बाद कामी गांव के उस ब्रिज पर कभी भी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसीलिए कामी गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई होगी और अभी वह किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी।